नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर विदेश भेजने के नाम पर पैसों का गबन, धोखाधड़ी व चोरी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के दो अपराधियों के विरुद्ध गघा थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एड के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गैंग बनाकर विदेश भेजने के नाम पर पैसों का गबन, धोखाधड़ी व चोरी का अपराध कारित करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर रण विजय यादव उर्फ मुलायम यादव, पुत्र सुरेंद्र नाथ यादव व एक सह अभियुक्त ब्रिज कुमार यादव, पुत्र राम सिंह यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग के खिलाफ आज गगहा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। अभियुक्त रणविजय यादव जो थाना बासगांव का है और ब्रिज कुमार यादव जो थाना गगहा क्षेत्र का है, दोनों ने गैंग बना करके अनेक लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा था। ब्रिजेश के खिलाफ 5 मुकदमे और रणविजय के खिलाफ 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित करते हुए अपराध से इनकी अर्जित संपत्ति की भी जानकारी करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी तथा अन्य निरोधात्मक कार्यवाही भी इनके खिलाफ की जाएगी, जिससे कि आगे भी ये समाज में किसी को धोखाधड़ी का शिकार न कर सके।